शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी के नाम से मानी जाती है। इसके निमित्त स्नान दान और उपवास यथापूर्व किए जाते हैं। विशेषता यह है कि एक वेदी पर 16 और कोन या पत्ती का कमल बनाकर उस पर सागरोपम जल पूरण रत्न प्रयुक्त मल योगगिरी से चर्चित कंठ प्रदेश से में नाल से आबद्ध और सुश्वेत वस्त्र से आच्छादित और 4 कलश स्थापित करें और उनके बीच में पीताम्बर धारण किए हुए शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज और शेषशायी भगवान की सुवर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करके उसका सहस्र शीर्ष आदि ऋचाओं से अंगन्यास पूर्वक यथाविधि पूजन करें और रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन के प्रभात में देवपाठी 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उक्त 4 कलश 4 को और योगेश्वर भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति 5वें को देकर उनको भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें तो गंगा आदि तीर्थों स्वर्णादि दानों और भगवान आदि की पूजा के समान फल होता है।